आज की ये वीडियो मेनली उन लोगों के लिए होने वाली है जो कि इन फ्यूचर एक कॉलर माइक लेने की सोच रहे हैं। सो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है अमन और स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल आईटी पैराडाइम पे। ओके, सो जब भी आप एक शॉपिंग वेबसाइट पे जाते हैं, चाहे वो अमेज़ॉन हो या फिर फ्लिपकार्ट, और सर्च करते हैं माइक्रोफोन बिना किसी ब्रांड नेम के साथ, तो आपको कई सारे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कुछ ब्रांड्स ऐसी होंगी जिनका नाम आपने कभी नहीं सुना होगा, जिनको कहते हैं हम लोग नॉन ब्रांडेड, और उनकी प्राइस रेंज होगी लगभग 160 रुपीज़ टू 250 रुपीज़। और इनमें से एक माइक मैंने ख़रीदा है, इसमें कोई भी ब्रांड नेम नहीं लिखी है तो मैं बता नहीं सकता, काफ़ी पहले ख़रीदा था। और इसको मैंने सर्च किया था एज अ माइक फॉर यूट्यूब, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब के लिए। द नेक्स्ट, आप जब और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे थोड़ी सी रेंज बढ़ जाएगी और कुछ माइक्स आपको दिखेंगे 700 से 1000 के बीच में, जो कि एक नेम से आते हैं बोया लेवलियर माइक्रोफोन, जो कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। इसके वायर में आपको एक कंपार्टमेंट मिल जाएगा, एज वेल एज इसकी केबल लेंथ आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, दैट इज़ 20 फीट। ओके, सो मेनली मैं इस वीडियो में बात करूंगा इन दोनों ही माइक के कंपैरिजन की, एंड एज वेल एज इन माइक को ख़रीदने के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इस चीप नॉन ब्रांडेड माइक की। तो अगर हम बात करें इसके केबल लेंथ की, तो इसमें आपको केबल लेंथ मिल जाएगी 0.75 मीटर से लेकर 1.25 मीटर तक। यहाँ पे मेरे वाले माइक की लेंथ है 1 मीटर। सो ये डिपेंड करता है कि आप किस ब्रांड का माइक लेते हैं, लेकिन आई एम श्योर 0.75 मीटर से लेकर 1.25 मीटर तक ही आपको मिलेगी। नेक्स्ट, इसमें आपको मिल जाएगा 3.5 mm का जैक, जो कि लगभग हर एक डिवाइस में सपोर्ट करता है। अगर मैं माइक्रोफोन को पास से दिखाऊं तो आपको कुछ इस तरह का माइक्रोफोन देखने को मिलेगा। अगर मैं कुशन हटा देता हूं तो ये अंदर से मेटल है और सामने से आपको मेटल की एक नेट देखने को मिलेगी। लेट मी प्लेस इट अगेन। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं इस बोया लेवलियर माइक्रोफोन से, तो इन कंपैरिजन टू बोया ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन एक कॉलर माइक के लिए बड़ा होना बहुत ही बेकार बात है। एक इस माइक को इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो व्यूवर्स हैं उनका जो अटेंशन है वो हमारे माइक की तरफ नहीं होना चाहिए, हमारी वॉइस या फिर हमारे फेस की तरफ होना चाहिए, जो कि वीडियो के लिए मेन है। तो ऐसे में इसका बड़ा साइज़ मुझे तो बेकार लगा। नेक्स्ट, अगर मैं इसकी बात करूँ कंपैटिबिलिटी की, तो ये फ़ोन एंड लैपटॉप में काफ़ी अच्छे से काम करता है। मैंने इसको, मेरे पास कैमरा है भी नहीं तो इसको टेस्ट भी नहीं कर पाया, और इसको आप पीसी पे नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, अगर आप इसे फ़ोन के साथ यूज़ करेंगे तो 10 में से 2 बार इसमें हमें बैड क्वालिटी देखने को मिलती है। मतलब कि कहने का है, इसमें हमें क्र करके कुछ आवाज़ देखने को मिलती है, एंड जो कि बहुत ही ज़्यादा एनॉइंग हो जाती है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ लैपटॉप की, तो ये बहुत ही अच्छे से काम करता है, लेकिन इसमें भी एक डिमेरिट आपके सामने आ जाता है कि अगर आप इसे यूज़ करने वाले हैं वीडियो कॉल के लिए तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप इसको अपने लैपटॉप से लगाएंगे तो आपके स्पीकर्स काम करना बंद कर देंगे। आपके लैपटॉप को लगेगा कि ये जो जैक है वो आपके ईयरफोन या फिर स्पीकर का जैक है, तो ये स्पीकर को जो आउटपुट है वो देना बंद कर देगा, आउटपुट इसके पास जाएगा जो कि ये आउटपुट दे नहीं पाएगा। सो ऐसे में आप कॉलिंग के लिए इस माइक्रोफोन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप अगर बात करें हमारे पीसी की, जिसमें सीपीयू होता है, तो उसमें ये सपोर्ट नहीं करता है, किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप सर्च करें यूट्यूब पे तो आपको ढेरों सारी लगभग 100-200 वीडियो मिल जाएंगी, सब बताएंगे कि इसको कैसे यूज़ करें, अपने पीसी के साथ काम नहीं कर रहा है या फिर ऐसा कर रहा है। तो मैंने सारी वीडियोज़ देखी और सबके सॉल्यूशन मैंने अपनाए। मैंने USB के थ्रू भी ट्राई किया, एज वेल एज स्प्लिटर के थ्रू भी ट्राई किया, सारे मैंने अटेम्प्ट कर लिए और आखिरी में हार मान के मैंने ये बोया लेवलियर माइक्रोफोन लिया था। ओवरऑल आप इस चीप नॉन ब्रांडेड माइक को अपने पीसी के साथ बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, और बाय चांस अगर इसको आप यूज़ कर भी पाते तो क्या आपको लगता है कि आपके जो CPU के बैक से लेकर आपके नेक तक इसकी वायर पहुँच पाती? मुश्किल ही है, क्योंकि CPU से लेकर हमारे पास तक आने में लगभग 0.75 मीटर वायर लग जाता, एज वेल एज हमारे नेक से हमारे टी शर्ट के नीचे तक लगभग जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर है। तो ओवरऑल ये जो वायर है पूरी खिंची खिंची रहेगी, एज वेल एज हमको डर लगा रहेगा कि इसका ये जो जॉइंट है वो टूट ना जाए, तो इसे PC के साथ यूज़ करना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है।
इसी के साथ साथ अगर आप इस माइक को खरीदने की सोच रहे हैं तो इसे आप तभी खरीदें जब आपका मन हो सेल्फी वीडियोस बनाने का। इसके अलावा आप इस माइक को नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डिस्टेंस पे मेरा फ़ोन रखा है, तो ऐसे में मैं इस माइक को नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी कई सारी वजह हैं। इसका जो वायर लेंथ है वो मुझे बहुत छोटा मिल जाता है, फ़ोन से टी शर्ट के नीचे एंड टी शर्ट के नीचे से मेरे नेक तक आने में इसका जो वायर है छोटा पड़ जाता है, मेरी टी शर्ट उठ जाती है, एंड एज वेल एज जो वायर है इसका वो खिंचा खिंचा रहता है, तो मैं इसे अपनी वीडियो में नहीं यूज़ कर रहा हूँ। एज वेल एज जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें 10 में से 2 बार मुझे बैड क्वालिटी देखने को मिलती है, जो किर्र साउंड होती है वो आ जाती है इसमें, जो कि मुझे बहुत ही नापसंद है। सो ऐसे में मैं इसको बहुत ही कम यूज़ करता हूँ। जब कंप्यूटर एज वेल एज फ़ोन दोनों में एक साथ वीडियो बनानी होती है तभी मैं इसे यूज़ करता हूँ, अदरवाइज़ इसको मैं स्पेयर में रखा रहता हूँ। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट माइक्रोफोन की तरफ, दैट इज़ बोया लेवलियर माइक्रोफोन दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ। इन नॉर्मल डेज आपको इसकी प्राइस मिल जाएगी लगभग 700 रुपीज़ से लेकर 1000 रुपीज़ तक, लेकिन आपको ये सेल में 650 रुपीज़ से लेकर 670 रुपीज़ तक बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो अगर आप एक नॉन ब्रांडेड माइक खरीदने वाले हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, सेल के आने का इंतजार करिए, तब तक पैसे भी कलेक्ट हो जाएंगे, तो आप इस माइक को बहुत ही आसानी से खरीद सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके केबल लेंथ की, तो इसमें हमें 20 फीट केबल लेंथ मिल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा है और आप काफ़ी दूर खड़े होकर भी आसानी से वीडियो बना सकते हैं विद अ क्रिस्टल क्लियर साउंड। इसमें भी हमें 3.5 mm का जैक मिल जाता है, एज वेल एज इसके पैकेट में हमें 1/4 अडॉप्टर मिल जाता है, जो कि हम लोग एम्पलीफायर में यूज़ कर सकते हैं, उसी के लिए बना है, और उससे भी अपनी वॉइस जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हमें जो माइक्रोफोन मिलता है उस पर कुशन जो लगा है वो भी हमें इसके साथ मिलता है, एज वेल एज जो माइक्रोफोन है अंदर से मेटल का है, उस पर भी हमें मेटल की ही नेट देखने को मिलती है। इन कंपेरिजन टू चीप माइक इसका जो साइज़ है काफ़ी छोटा है, जो कि उतना अटेंशन ग्रैबिंग नहीं है, मीन्स इसका साइज़ छोटा है, अच्छा है। अगर आप एक कॉलर वाली शर्ट पहनेंगे तो आसानी से उसके नीचे छिप जाएगा, इससे आपके व्यूवर का अटेंशन आपकी तरफ ही रहेगा, आपके माइक की तरफ नहीं रहेगा। इसी के साथ साथ इसके वायर में हमें एक छोटा सा ये कंपार्टमेंट देखने को मिलता है, मैं तो इसे कंपार्टमेंट कहता हूँ, लेकिन ये सिलेंडर का एक छोटी सी बॉडी है जिसमें कि एक स्विच हमको मिल जाती है, जो कि स्विच करती है कैमरा और स्मार्टफोन के बीच में। इसी के साथ साथ ये एक छोटी सी क्लिप है जिसको कि हम लोग अपने कमर के आसपास कहीं पे क्लिप कर सकते हैं, ताकि हमारा ये माइक्रोफोन कहीं पे गिरे ना। एज वेल एज इसको अगर हम स्पिन करते हैं तो इसके अंदर हमें एक जगह मिलेगी जहाँ पे हमको एक सेल लगाना पड़ता है। सेल हमको तभी लगाना पड़ेगा जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपने पीसी से, यानी कि कह सकते हैं ये जो माइक्रोफोन है अपनी खुद की बिजली यूज़ करता है। अब अगर आपको टेंशन हो रही है कि इसकी जो बैटरी है ज़्यादा दिन तक नहीं चलती होगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 से 4 महीने मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको, अभी तक तो बैटरी डिस्चार्ज नहीं हुई है, अब देखते हैं कितने दिन और चल सकती है। लेकिन आई एम श्योर इसकी जो बैटरी है बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाएगी, खासकर जो घड़ियों की दुकान होती है, वॉचेस की शॉप होती है, उसमें आसानी से मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस बोया लेवलियर माइक्रोफोन के कंपैटिबिलिटी की, तो फ़ोन में तो आप इसकी आवाज़ सुन ही सकते हैं, कितनी साफ़ कितनी क्लियर आवाज़ सुनने को मिल रही है। इसी के साथ साथ अगर आप इसको लैपटॉप के लिए ले रहे हैं तो ज़रूर लीजिए, मैंने उसमें टेस्ट करके देखा है, वॉइस रिकॉर्ड एज वेल एज वीडियो रिकॉर्ड बहुत ही अच्छे से हो रही है, बिना किसी लैग के बिना किसी नॉइज़ के बहुत ही अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। इसी के साथ साथ इस माइक में वॉइस कैंसिलेशन भी होता है, यानी कि दूर की कोई आवाज़ है जो कि कंटिन्यूसली आ रही है तो उसे वो कैंसिल आउट कर देता है, तो एकदम स्मूथ रिजल्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट द मेन पार्ट दैट इज़ कंप्यूटर, या फिर कह सकते हैं पीसी में ये माइक सपोर्ट करता है, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस आपको क्या करना है इसका ये जो कंपार्टमेंट है, दिस इज़ द कंपार्टमेंट, दिस इज़ लिटिल बॉक्स, इसमें जो स्विच है वो आपको स्विच करना पड़ेगा कैमरे की ओर, तब ये जो माइक है वो ऑन हो जाएगा, एंड देन यू कैन इजली रिकॉर्ड योर वीडियो और योर वॉइस इजली इन योर कंप्यूटर। आप मेरी पिछली कुछ वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने इस माइक को यूज़ करके अपने कंप्यूटर में वीडियो रिकॉर्ड की है, मेनली स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है, सो वहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं। सो काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, प्राइस से लेकर फिजिकल अपीयरेंस से लेकर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तक, और कुछ छूट गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और मैं उसको, अब तो वीडियो बन नहीं सकती है अगेन, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि और लोगों को पता चल जाए कि ये भी डीमेरिट्स हैं, ये भी मेरिट्स हैं इन माइक्स को खरीदने के। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो,
See you in my next video with a new topic that will be more interesting. I hope you will be there with me, and thank you.